नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं अभी अभी वापस आई हूँ वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल से। आप लोगों को तो पता होगा मॉल का। तो क्या हुआ, तो ना मैं मॉल पे गई थी और जहाँ से मैंने एक बर्गर ऑर्डर किया था अपने फ्रेंड के साथ, एंड दैट बर्गर वाले जो शॉप वाले थे ना, डेवलेक और रेस्टोरेंट वाले, क्या बोलते हैं बर्गर वाले को, रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं क्या, रेस्टोरेंट वाले, दे वर लाइक मैम मैं आपका वीडियो देखता हूँ, एंड आई वॉज लाइक नहीं वो मैं नहीं हूँ, एंड देर लाइक नहीं नहीं आप ही वो, ऐसा ना मैंने उनको कन्फ्यूज कर दिया, एंड आई सेड अकेली लड़की इन दिल्ली, तो देर लाइक हाँ वही वही वही, आई वॉज सो एम्बेरेस्ड, यू नो। अच्छी भली मैं मॉल में झकास ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन के, नीचे चप्पल पहन के ऐसे घूम रही थी, एंड देन यू रियलाइज कि आपको आपके ब्लॉग को देखने वाले लोग आपके सामने ही हैं। तो ना उस समय मुझे समझ में नहीं आता मैं बोलूं क्या, आप समझ रहे हो। आजकल तो मेट्रो पे भी जाते हैं ना, तो मेट्रो पे भी कोई टकरा जाता है, बोलते कि अरे आप तो अकेली लड़की वाली हो ना, अकेली लड़की इन दिल्ली वाली हो ना। हाय, लग तो रहा है कि तो फेमस हो रही मैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलने वाली थी कि मॉल पे आप लोगों को तो जैसे कि पता है कि मुझे अभी सैलरी आता है तो मेरे पास थोड़े तो पैसे रहते हैं, राइट। तो क्या हुआ, मैं मॉल पे गया, इसके बाद H&M में मैंने दो जीन्स लिया, मैंने लिया नहीं ट्राई किया, कैन यू बिलीव, पता नहीं साइज का क्या है मॉल में, 42-48 साइज का भी आने रहा, जबकि मेरा साइज 32 है। चलो मान लिया कि मैं थोड़ी सी मोटी हो गई, चलो ज़्यादा मोटी मोटी हो गई, फिर भी तो मतलब 40-42 नहीं आ रहा मेरे पास, तो समझ सकते हो। तो मैं रास्ते में वापस आ रही थी, और रास्ते में जब भी मैं वापस आती हूँ तो यहाँ पे जो मैंगो बेचने वाला भैया है ना, अभी तो वो मैंगो नहीं बेचते, पहले बेचते थे मैंगो सीजन में, मैंगो वाले बेचने वाले जो भैया है ना, उनके पास हमेशा एक भैया है जो कपड़ा वगैरह सस्ते सस्ते में बेचते हैं। जैसे मैं शॉर्ट कुर्ती लगाती हूँ तो वो भी 100-100 रुपये में मैं भैया से ही लेती हूँ। तो उन भैया से मुझे ये पैंट मिला है, उन्होंने तो पहले 150 रुपीज़ का बोला है, एकदम न्यू है, 150 रुपीज़ का उन्होंने ये पैंट बोला था, मगर मैंने ये पैंट ख़रीदा है 100 रुपये में, कैन यू बिलीव। और ये पैंट में ना कोई साइज़ है, नथिंग फिट हो गया मेरे पे, आई एम सो हैप्पी। वैसा अच्छा भी है ना, इसमें पॉकेट भी है एक्स्ट्रा, सी इसमें पॉकेट भी है साइड साइड में, और क्वालिटी भी अच्छा है। मगर हाँ थोड़ा ये है कि ये थोड़ा सा इसका कपड़ा का क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा वो है, क्या बोले, नरम नहीं है, बट इट्स फाइन, 100 रुपये में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, राइट। नहीं गर्मी लग रही है मुझे, और मेरा कूलर ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया है, इसका जो फैन है ना इतना ज़्यादा टाइट हो गया, मतलब सोचो मैं हाथ से अपने हाथ से घुमाने के लिए, अपने हाथ से इस फैन को घुमाने के लिए भी इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स, तो खुद कैसे घूमेगा। इसका पीछे वाला जो पोर्शन है ना वो एकदम टाइट हो गया है, पता नहीं क्यों, अब ये कूलर चल ही नहीं रहा है। कैन यू बिलीव, इतना मेट्रो से भी मैं पूरा पैदल चल के आई थी और इतनी गर्मी लग रही थी, और ये सारा कूलर ही नहीं चल रहा, अब कूलर ठीक करने के भी पैसे दो अलग से। अच्छा, और मुझे ये भी बताना था कि अरे कि मतलब मॉल में भाई क्या हो रहा है, इसको उल्टा उल्टा लगा रही क्या, गलत तो नहीं लगा रही। हाँ मैं ये बोल रही थी कि मॉल में मार्क स्पेंसर ऐसा कुछ नाम था कंपनी का नाम, हाथ धो लेती हूँ, वो कंपनी एक जीन्स दे रहा था 6,000 रुपये का, 6,000,
जब तक मुझे अपना सैलरी मिला था ना, मतलब 30,000 40,000 जितना भी है, जब तक मुझे अपना सैलरी मिला था मैं इतनी खुश थी कि हाँ मेरा सैलरी आ गया, अब तो मैं खरीदूंगी। एंड देन व्हेन आई वेंट टू द मॉल, मार्क एंड स्पेंसर वाज लाइक, मैंने H&M का आपको बोल दिया कि साइज ही नहीं था मेरे पास, और मार्क एंड स्पेंसर का मुझे थोड़ा अच्छा लगा ना, और एक जीन्स लेके देखा मतलब 6,000 का जीन्स, 6,000। मान लो अगर मैं 6,000 का जीन्स ले लेती, और टॉप पता है टॉप जो उनका था वो भी 4,000 के थे, तो एक टॉप एक जीन्स लूंगी मैं वहां से अगर, तो 10,000 तो वही चले गए। तो वहां पे ना कुछ लोग थे, कुछ लोग बहुत सारा, जैसे सरोजिनी में बैग भर के आते हैं ना, सरोजिनी में बैग भर के क्यों आते, क्योंकि 100 100 20 20 कभी कभी तो 50 10 10 रुपए में कपड़े मिल जाते, इसलिए सब लोग भर के आते हैं। और मॉल में एक लड़की को मैंने देखा अपने हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड में भी इतने सारे बैग थे, इतने सारे बैग, और उन आप उस लेडीज के अपने पास भी इतने सारे बैग थे। आई वाज लाइक भाई, वो जितने भी बैग थे ना, 1 2 लाख की तो शॉपिंग होगी उसमें। जब तक नॉर्मल दुकान में जाती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि हाँ अपने पास जितनी चाहिए वो सब है, मगर जब मॉल में जाती हूँ ना, डायरेक्ट गरीबी का एहसास हो जाता है। जब भी मॉल में जाती हूँ ना, वहाँ का रेस्टोरेंट, खाना, कपड़े का रेट मुझे ऐसा फील करवा देता है कि भाई अपने औकात से बाहर है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो, राइट? आपके पास जो चीज़ है उस पे ही खुश होना सीखो। अगर यही सोचते रहेगी कि मॉल वाले तो 60 8 हज़ार का जीन्स पहनते हैं, तो वो तो भाई फैमिली वाला पर्सन नहीं जी सकता, क्योंकि उसको सिर्फ खुद को नहीं फैमिली को भी पालना होता है, राइट? हाँ, मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो ठाकुर जी की फ़ोटो है, ये आई थिंक 2021 या 2022 को मैंने दिवाली के समय ख़रीदा था, जब मैं पहले कॉलेज में सत्यानिकेतन में रहती थी। ये मेरे ठाकुर जी है, आई थिंक 10 रुपीज़ समथिंग से मैंने इनको लिया था, तो हमेशा इनको मैं अपने पास ही रखती हूँ, तो मैंने सोचा कि यहीं पे इनको चिपका दिया जाए, ठाकुर जी को मोटा पेट। या कपड़ा बदल दिया है, खुजली हो रही है, कपड़ा बदल दिया है, बिकॉज आई लव वेयरिंग टी शर्ट एंड पैंट। तो ना जैसे कि मैं डाइटिंग शुरू करने वाली हूँ, तो डाइटिंग के लिए मैंने लिया है 1/2 किलो का एप्पल, और ये 20 रुपए का पानी पूरी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर तुम डाइटिंग कर रही हो तो पानी पूरी कैसे खा सकते हो, करेक्ट? मगर ये पानी पूरी बस आज के लिए लास्ट, ये पानी पूरी, ठीक है? और ये वही शो रेस्टोरेंट था जहाँ से मैंने बर्गर खाया है, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, एक बार खोल के देखते हैं इसका नाम क्या है। सन सन सनबर्ग, सैनबर्ग नाम है शायद इसका। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि ये बर्गर जो है, मैंने अपने दोस्त के लिए, हमने दो दो ऑर्डर किया था, ठीक है? हमने दो ऑर्डर किया था, इसके बाद हमने ओनियन ओनियन रिंग ओनियन रिंग ओनियन रिंग ऐसा कुछ था जो कि मैंने पहली बार लाइफ में खाया। हालांकि मुझे लगा था कि मेरे फ्रेंड ने भी नहीं खाया, मगर मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी वो खा चुकी है, ठीक है? मेरे फ्रेंड का नाम रेचल है, वो वीडियो पे आना कंफर्टेबल, लाइक शी इज नॉट नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ब्लॉग। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, और या जो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मैं उनको अपने ब्लॉग पे ना लाऊँ, ठीक है? तो ये बच गया था जिसको मैं लेके आई हूँ अपने घर, बिकॉज यू नो आई डोंट वांट टू वेस्ट फूड। और ये अभी आइस है जो कि पिघलने वाला है, इसको जल्दी से बॉक्स में डालते हैं, ठीक है? आइस के साथ एक पेप्सी मैं लाई हूँ जो कि जीरो शुगर का है, और ये 1/2 किलो का आलू लिया है ताकि ख़राब ना हो जाए, और ये एक सब्जी है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, आप इस सामने से दिखाती बताना इस सब्जी को आप क्या कहते हैं।
हमारे अरुणाचल आदि ट्राइब के लैंग्वेज इसको जिका बोलते हैं। जिका आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? और तो मैंने इसी बोतल के सहारे ये मैंने खरीदा था बोरोसिल से। बोरोसिल के आइटम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मेरे एक पुराने फ्रेंड के पास था बोरोसिल एक्चुअली, तो उसका मैंने तो ये यूज़ किया कर लिया था पहले से ही, इसलिए मैंने भी सोचा कि अपने लिए भी बोरोसिल ही खरीदा जाए। ठीक है, तो ये वाला बहुत अच्छा है। अब देखो मैं आइस को कैसे यूज़ करती हूँ। इसमें बहुत पानी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आइस पिघल चुका है। या पूरा आइस तो पिघल ही गया, बचा ही क्या, थोड़ा ही बहुत बचा है। जो ठंडा पानी है ना उसको मैं यहाँ पे भर देती हूँ। और ये पता है 2 दिन तक ठंडा रहता है, 2 डेज। पूरा आइस तो पिघल ही गया। वाह शांति, अब इस आइस को मैं ऐसे तोड़ती हूँ, बैलेंस है। ऐसे तोड़ने के बाद उस पे जो आइस है उसको एक एक करके यहाँ पे डालती हूँ। आइस बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, इसके मुंह पे अटक ना जाए, इसलिए मैं इसको तोड़ देती हूँ छोटे छोटे पीसेस में। आराम से अंदर चला जाता है इसके। आराम से 2 दिन तक यहाँ पे पानी मिक्स कर करके ठंडा पानी पी सकते हैं। या पूरा हाथ ठंडा हो गया, आइस घुसाते घुसाते पूरा हाथ ठंडा हो जाता है इस पे। तो जो आई रचिके मैंने सचिके आई बचके ओ सोनिए, तुझ कितनों का दिल मचले ओ सोनिए। लिरिक्स पता हो या ना हो, गाने कुछ भी गाओ और एंजॉय करो। ये हो गया हमारा आइस फिक्स। अब रखते हैं हम अपना सब्जी, पानी पूरी, एप्पल, हाँ जी चीटियो, ये भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। मेरा बादाम भी खा गए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बादाम भी खा गए सबको। मेरे समझ में नहीं आता इनके, इन चींटियों के पास इतने दांत आते कहाँ से हैं, मतलब इतना इतना टाइट प्लास्टिक भी खा गया, गजब ही है। एप्पल एप्पल कहाँ रखूँ? अया खुजली एक्चुअली, यहाँ बैठ ये नीचे बैठते समय ये चींटियों ने मेरा पाँव काट दिया। और बोलते चींटियों को मत मारो मत मारो, कैसे नहीं मारूं इनको मैं। ये रहा मेरा पेप्सी। सब्जी बहुत सॉफ्ट है, नीचे गिरते टूट गया, इसको बनाऊंगी कल फिर ऑफिस में ले जाऊंगी। या करेले, करेले इज माय फेवरेट, करेले एंड आलू। कैमरे को थोड़ा ऐसे लगा देते हैं। हाँ आई होप अब मैं पूरा आ रही हूँ। पहले एक्चुअली यहाँ पे फ्रेंड थी ना, तो इसलिए नीचे हम दोनों सोए थे, तो इसलिए इसको बिछाना पड़ा। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़ोन करके इसको रख देते हैं। बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे इसका लिंक क्या है, इसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ मैंने बस लोकल मार्केट में इसको लिया था, 120 120 या 130 रुपीज़ का वो लोग बोल रहे थे, मगर मैंने इसको लिया है।
ओनली फॉर 100 रुपीज। ओके हो गया। ये वाला बेडशीट जो है ना मेरा फट गया था, तो इस बेडशीट को मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से सिल के वो बना दूँ, क्या बोलते हैं, पाओ 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 में क्या बोलते हैं उसको, डोरमेट, डोरमेट बनाओ। इसको कर दिया जाए बंद। ओ लाइट भी ऑफ कर दिया। सफाई करेंगे क्योंकि फिर ऑफिस में, ऑफिस जाके फिर वापस आके सफाई करने का मन ही नहीं करता। हालांकि मैं ऑफिस से वापस आने के बाद भी सफाई करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो बोलते हो ना कि बहुत अच्छा रूम है, सामने इतना बड़ा खिड़की है, इसी बड़े खिड़की से भर भर के धूल मिट्टी अंदर आता है, मगर अच्छा है, काफ़ी हेल्प किया है इस बड़े, काफ़ी हेल्प किया है इस बड़े खिड़की ने मुझे, क्योंकि इसी बड़े खिड़की के वजह से मैं पूरा समर जो है अच्छे से सो पाई, इतना गर्मी नहीं लगा मुझे। मेरे ख्यालों के कैमरे को अब इस तरह मोड़ा जाए। आई होप आई एम अवेलेबल, अरे अवेलेबल बोल रहे, आई होप आई एम, आई होप आई एम विजिबल, आई होप आई एम विजिबल, ये बोलना चाह रही थी कब से। मैं ख्वाबों के सहारे, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरे छुपे, बिजली मेरी अंगड़ाई। गाना भूल गई। अच्छा ये दो नेल पॉलिश अभी मैं लगा के दिखाती हूँ उसको साफ करके। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवाई हवाई हवा हवाई हवा हवाई। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग तो मुझे तब लगता है जब झाड़ू लगाने के बाद भी बालों को अलग से उठाना पड़े। ये बाल झाड़ू में चिपकते ही नहीं है, और चिपकते तो ऐसे चिपक के रह जाते हैं। ये देखो बाली बाल बाली बाल बाली बाल। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें बाल पता ही क्यों दिए हैं, ताकि वो एक दिन गिर गिर के हम टकले हो जाए। अब हम लगाते हैं पोछा, ना गंदा हो जाता है ना सब कुछ। पहले अच्छा हुआ करता था, पहला जमाना जब सब कुछ मिट्टी का बनता था, मिट्टी के घर सब कुछ मिट्टी के। अब तो टाइल्स वाइल्स बनाओ, टाइल्स में गंदगी इतनी जल्दी दिखती है ना, पूछो मत, बहुत जल्दी दिखती है गंदगी। फैन ऑन कर देते हो आप लोगों को पता है, आज मेरी फ्रेंड्स फ्रेंड आई थी, तो मैं कल से ही इसको झाड़ू पोछा लगा लिया था मैंने पहले, फिर भी फिर गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया। देखो अभी झाड़ू लगाया था कि नहीं, अभी झाड़ू लगाया था, इधर देखो बाल सामने से दिखा दिया, ये रहे बाल। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, बादल है मेरी चिल पे, अरे बोटो को यार रखना था, बिजली मेरी अंगराई। आए ओह यार, पोछा कहाँ रखा था वही भूल गया। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों इतना साफ सफाई, बात यह है कि ऐसे साफ सफाई किए बिना ना या ना ढंग से मुझे खाना हजम होता है, और ना ही मैं ढंग से सो पाती हूँ। पिया करो पिया करो, गिन 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 गिन, इंतजार आजा पिया ही बहार। ये
ये खिड़की पार्ट भी मैं अच्छे से ऐसे पोछा लगाती हूँ ताकि इसमें से कोई धूल मिट्टी रूम के अंदर ना जाए, जबकि जाती है, पोछा लगाने की वजह से कम हो गए, वरना तो जाती है धूल मिट्टी अंदर, आराम से जाती है। हो गया, इट्स डन डना डन। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की क्या, हर जगह की सारी लड़कियां मुझसे बहुत ही ज्यादा रिलेट करती होगी, क्योंकि उनको भी घर में यही करना होता होगा, हम भी यही कर रहे हैं। चाहे आप दिल्ली से हो, साउथ इंडिया से हो, चाहे मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, लड़कियां या कोई भी इंसान ऐसे ही काम करते हैं घर पे। खैर, मतलब अमीरों की बात अलग है, बट मान लो अगर वो इतने अमीर नहीं होते, उनके घर में इतने सारे नौकर चाकर नहीं होते, तो वो भी ऐसे ही काम करते ना। किस्मत किस्मत की बात है, वो लोग अमीर है नहीं करते, और हम गरीब नहीं है, मिडिल क्लास है। ठीक है, एक मिडिल क्लास होने में और एक गरीब में बहुत अंतर है। गरीब गरीब लोग बहुत गरीब होते हैं, ना ढंग का घर होता है, किसी किसी के घर में तो फैन भी नहीं होता, कैन यू बिलीव। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब दिल्ली में पहली बार आई थी ना, तो मेरे रूम पे फैन भी नहीं था, मेरे मेरे रूम पे फैन भी नहीं था। और मैं आई थिंक 6 महीने तक, तो जब तक विंटर नहीं आया ना, क्योंकि देखो मैं घर से क्या बोल के निकली थी, मैं घर से ये बोल के निकली थी मम्मी को, क्योंकि मेरा दिल्ली आने का बहुत मन था तो पढ़ाई के लिए, तो मैंने मम्मी को ये बोल के निकली थी घर से कि दिल्ली में तो कितना ही होगा खर्चा, 2-3 हज़ार को तो रेंट होगा, ऐसे सोचा था मैंने। मगर रेंट कितना निकला, 5-6 हज़ार का। तो इस वजह से रेंट मालिक ने जो है ऊपर छत पे फ़ैन नहीं दिया था, तो मैं पूरे 6 महीने तक तो दिल्ली की गर्मियों में बिना फ़ैन के थी। और मुझे जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था ना, आधी रात को नींद खुल जाती थी, क्योंकि इतना हीट होता था रूम में। तब तो रूम ऐसा भी नहीं था कि थोड़ा बड़ा है ना, छोटा सा रूम था जिसमें टॉयलेट बाथरूम किचन सब कुछ, और टॉयलेट बाथरूम भी शेयरिंग था। तो उस जगह पे मुझे बहुत मुश्किल होता था, और जब भी रात को अचानक से नींद खुल जाती थी गर्मी की वजह से, तो मैं वो 3-4 बाल्टी फिर लगाती हूँ, फिर सो जाती थी। और कभी कभी तो जो टॉवेल होता था ना, टॉवेल को तो पानी भिगो के अपने शरीर में ऐसे रख के सो जाया करती थी। इसके बाद फिर सुबह क्या कहते हैं, कॉलेज जाया करती थी मैं। अभी अभी इतना फनी चीज़ हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, तो अचानक से मेरे मतलब अचानक से पीछे एक लड़की बात करने लग गई। मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ और अचानक से एक लड़की की आवाज़ आने लग गई, तब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा ही रिकॉर्डिंग है, समझ रहे हो? मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, वो वीडियो रिकॉर्ड होके मेरा आवाज़ मैं सुन रही थी, मगर मुझे ऐसा लगा कि इस रूम पे कोई और लड़की बात कर रही है ना, डर गई थी मैं। अच्छा, मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी ये दो नेल पॉलिश मैं लेके आई हूँ मिनीसो से। एक नेल पॉलिश रहा है 70 रुपये का, तो कौन सा लगाऊँ मैं? ये लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी पानी तो भर रहा है, तब तक नेल पॉलिश लगाते हैं। आया, टेंट भी फट रहा है मेरा। आप लोगों को नेल पॉलिश लगा के दिखाती हूँ, ब्रांडेड नेल पॉलिश। हम उड़े जा रहे हैं, ला 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 ला। मेरे नेल्स इतने सुंदर नहीं है वैसे, बड़ा वियर्ड है। खड़ा हूँ आज भी वही, तेरा ही इंतजार है। इट्स नॉट लुकिंग नाइस। नेल पॉलिश तो अच्छा है, मेरा पाव ही इतना वियर्ड लग रहा है, बट मैं अभी एक बार ये पूरा लग जाए सामने से, मैं एक बार दिखाती हूँ। आई होप तब अच्छा लगे, मे बी माइट बी। मुझे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि मैं ज़्यादा नेल पॉलिश वगैरह ऐसे
ज़्यादा ससना सवरना नहीं करती हूँ, शायद इसलिए भी हो सकता है। अभी आप लोग वीडियो पे देख के बताना कि कैसा लग रहा है। आई विल शो यू, आई विल गिव यू अ नियर व्यू। हो गया, आप एक बार देख के बताओ कैसा लग रहा है। हाँ बताइए कैसा लग रहा है मेरा पाव। मैंने बोला था ना मेरा नेल बड़ा वियर्ड है, टेढ़ा। ये भी टेढ़ा है, ये भी टेढ़ा है। अब बताइए कैसा लग रहा है पाव। हम उड़े जा रहे हैं, ला 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 ला। वाह, व्हाट अ मर्दों वाला लेग। शिट, इट डजंट लुक। तो जी दर्शकों, अभी ये नेल पॉलिश सूख जाएगा, अब क्या करें। लगा लिया लगा लिया, खरीद भी लिया। अब 70 रुपये तो वापस नहीं आ सकते। खैर नहीं, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, बट हाँ जैसे मैंने सोचा था वैसा इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और अगर आप लोग मुझसे दोबारा मिलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर मन किया तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वाई आई एम सो ड्रामेटिक। चलो जी, बाय बाय, गुड नाइट।